फोर्टी थ्री क्वेश्चन इन लास्ट थ्री ईयर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग और आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर कर रहे होंगे और जेम एस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में इस पर आए कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखेंगे तो मोलिकुलर ऑरबाइटल थेरी कहती है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कंपेरेबल एनर्जी और प्रॉपर सिमेट्री के एटॉमिक ऑरबाइटल लीनियरली कम्बाइन करते हैं टू फॉर्म द सेम नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑरबाइटल्स जिनमें से आधे होते हैं बॉन्डिंग मालिकुलर ऑरबाइटल्स और आधे होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑरबाइटल्स बॉन्डिंग वाले लोअर एनर्जी के होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एंड आर डिनोटेड बाय सिग्मा एंड पाए वहीं एंटी बॉन्डिंग वाले हायर एनर्जी के होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कम होती है एंड दे आर डिनोटेड बाय सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार अच्छी बात यह है कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की भी फिलिंग सेम रूल्स को फॉलो करती हैं दैट आर ऑफ प्रिंसिपल होंड्स रूल एंड पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये तो थी बेसिक थियरी अब चलते हैं उस पार्ट पे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं दैट इज़ एनर्जी लेवल डाइग्राम इसमें दो केसेस होते हैं पहला अगर टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फोर्टीन या उससे कम हो और दूसरा अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फोर्टीन से ज़्यादा हों एक, एक करके देखते हैं स्टार्टिंग विथ पहला केस तो वन एस और वन एस कम्बाइन करते हैं टू फॉर्म सिग्मा वन एस एंड सिग्मा स्टार वन एस सिमिलरली दो टू एस कम्बाइन करते हैं टू फॉर्म सिग्मा टू एस एंड सिग्मा स्टार टू एस जब दो टू पी कम्बाइन करते हैं तो पी एक्स और पी वाई लेटरली ओवर करते हैं टू तो फॉर्म तो तो पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई एंड पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई वहीं पी जेड एक्सियली ओवरलैप करता है टू फॉर्म सिग्मा टू पी जेड एंड सिग्मा स्टार टू पी जेड एनर्जीज का लेवल एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है अब दूसरे केस में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहती हैं बस पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई ऊपर चले जाते हैं और सिग्मा टू पी जेड नीचे आ जाता है एंटी बॉन्डिंग वाले का ऑर्डर सेम ही रहता है इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं एन टू माइनस इसमें है सेवन प्लस सेवन प्लस वन दैट इज़ फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन्स दैट मीन्स सेकेंड केस तो पंद्रह में से आठ इलेक्ट्रॉन्स तो वन एस और टू एस वाले में चले जाएंगे टू पी वाले के लिए रह जाएंगे सात इलेक्ट्रॉन्स जो कि इस तरीके से फिल हो जाएंगे यहाँ पे दस इलेक्ट्रॉन्स है बी एम ओ में और पांच इलेक्ट्रॉन्स है ए बी एम ओ में बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा एन बी माइनस एनी अपॉन्ट टू दैट इज टू पॉइंट फाइव एक चीज ध्यान रखना बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्टेबिलिटी बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड सिंस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक नेचर हो जाएगा पारा मैग्नेटिक आप चलते हैं पी वाई के पे इस क्वेश्चन में हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो अब मैं वन एस और टू एस वाले नहीं बनाऊंगा सिर्फ टू पी वाले बनाऊंगा क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में एंड टू का देखें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं फोर्टीन दैट मींस पहला केस चौदह में से आठ इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे वन एस और टू एस वाले में बाकी के छः ऐसे अरेंज हो जाएंगे सिमिलरली बाकी स्पीशीज का भी बनाने के बाद अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो पहले में है जीरो दूसरे में है एक तीसरे में है दो और चौथे में है एक सो द आंसर इज ऑप्शन ए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो ओ टू टू माइनस में दस इलेक्ट्रॉन्स है बी में और आठ इलेक्ट्रॉन्स है ए बी में वन एस ओ टू एस वाल भी काउंट कर रहा हूँ कन्फ्यूज़ नहीं होना तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा टेन माइनस एट अपॉन टू दैट इज़ वन सी में टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे सिक्स प्लस एट दैट इज़ फोर्टीन दैट मीन्स पहला केस इसमें दस इलेक्ट्रॉन्स है बी में और ए बी में है चार इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा तीन एनओ प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे नाइट्रोजन का सात ऑक्सीजन का आठ और ऊपर प्लस है तो माइनस वन दैट इज फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा तीन सो द आंसर विल बी ऑप्शन वन तो यही था मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से अगर समझ में आ गया हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड लेट मी नो द आंसर इन